पर सवाल आया है, गोपी ने सवाल हमें भेजा है कोचिन शिपयार्ड पर। 10 शेयर्स 1075 पर इन्होंने लिया हुआ है, थोड़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ले लिया है और हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। आज हम देख रहे हैं स्टॉक में 7% तक की तेजी है, लेकिन थोड़े ऊपरी लेवल पर है। हालांकि स्टॉक में काफी अच्छी तेजी भी दिखी थी पिछले 6 महीने का, अगर चार्ट देखे 600 अंकों से ज्यादा की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। कुणाल, हायर लेवल्स पर लिया है कोचिन शिपयार्ड को, अभी क्या करें? उनके लेवल से तो थोड़ा नीचे, बहुत मामूली नुकसान में ये उनके लेवल के आसपास ही स्टॉक इस पर ट्रेड भी कर रहा है, क्या करें इन स्तरों पर? कुछ स्टॉप लॉस इनको सुझाएंगे? सी पूजा, अगर इस काउंटर की ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मार्च से लेके अब तक हमने इसमें क्लियर एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन दिखा है जो एक अप ट्रेंड कंफर्म कर रहा है। अगर हम प्रेजेंट लेवल की बात करें तो यस, 1200 के लेवल से ये काउंटर नीचे जरूर आया था, लेकिन अगेन द बॉटम इज हायर कम्पेयर टू द प्रीवियस बॉटम एंड इस लेवल पे भी मुझे तो ये काउंटर बहुत ही पसंद है। सो अगर इमीडिएट स्टॉप लॉस की या सपोर्ट की बात करें तो 1005 का सपोर्ट बनेगा अब इस काउंटर में, और इसी सपोर्ट से इस काउंटर में बने रह सकते हैं। इनफैक्ट कल के दिन फिर से अगर इसमें रुझान कंटिन्यू होती है तो नई भी बाइंग कर सकते हैं और इसका टारगेट बनेगा 1180 से 1195 जो प्रीवियस हाई था। आई थिंक जब तक इसमें ये ट्रेंड बरकरार रहेगा 1250 से 1300 से 1275 के टारगेट से हम इस काउंटर में लंबी अवधि के लिए भी बने रह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है कोचिन शिपयार्ड पर आपको राय। सूर्यकांत का सवाल लेंगे और प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर इनका सवाल है। 600 शेयर हैं और भाव भी 601 रुपये का है इस वक्त। जो शेयर प्राज इंडस्ट्रीज का हम चेक करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में इसमें थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ऊपर के भाव पर ख़रीदे हैं और ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं ना, जब G20 के मंच से ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का जब ऐलान हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि चूंकि ये प्राज इंडस्ट्री जो है एथेनॉल के लिए और शुगर कंपनीज के लिए मशीनरी बनाने काम करती है तो इस कंपनी के लिए मौके बनेंगे दुनिया भर में, तो उसके उम्मीद में ये शेयर चला था, लेकिन फिर से थोड़ा ठंडा होता हुआ दिख रहा है और शायद इसी तेज़ी के चक्कर में लोगों ने शेयर खरीदे भी हैं। विवेक, आप ही बताइए, प्राज इंडस्ट्रीज़ वैसे कंपनी को लेकर कोई शक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने के थोड़े भाव इनके ऊपर के हैं, क्या निवेशित रहें, समय दें, शेयर चलेगा ये? देख लीजिए अभिषेक, अगर आप जो एथेनॉल प्लांट बनाने की कंपनी है उसमें प्राज ही एक कंपनी है और उसके अलावा इंडिया में आप अगर देखो तो बहुत मुश्किल होता है मिलने के लिए, तो दिग्गज कंपनी है ये, सुपर्ब मैनेजमेंट है इसका, जीरो डेट कंपनी है और अभी एक न्यूज ये भी चल रहा है कि सरकार करीबन 5-1% एथेनॉल में दामों की बढ़त भी कर सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इन सबको अगर आप दिमाग में रखो आपको लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली ये पक्की बात है कि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत तेजी की रनअप नहीं दिखाएगा ये स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चल चुका है, करीबन 380-400 से ये लगातार चला है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल कंपनी बहुत बढ़िया, आपको आज या ना कल बता, आपका तो सिर्फ 10 रुपए का फर्क है लेकिन आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा इसमें।